लो पकड़ो। यश कहाँ है? तुम भैरी वैरी हो क्या? अच्छा तो तुम बोल नहीं सकती। यश का दिल कितना बड़ा है ना, तुम जैसे लोगों को नौकरी पे रखा है। अच्छा तुम्हें पता नहीं है मेहमानों को कैसे अटेंड करना है? छोड़ो मैं खुद ही कर लूंगी जो मुझे करना है। रख दे यहाँ पे। जा यहाँ से या मेरे सर पे खड़ी रहेगी? कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगी मैं तेरे को। ओ तो तुझे लिखना भी आता है? बोला ना जा यहाँ से, कुछ चाहिए होगा बुला लूंगी मैं तेरे को। जा तू यहाँ से। अरे मायरा तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो ट्रैफिक बहुत था ना तो मैं इसलिए लेट हो गया। ओके फाइनली तुम मेरी दीदी से मिलने आ गई। हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तुमने कहीं दीदी को देखा क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। वो जरूर हमारे लिए ना कुछ स्पेशल ट्राई कर रही होगी। ओके जब तक तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? अच्छा ठीक है तुम ना थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए दीदी को लेके आता हूँ। ठीक है। थैंक यू। तुम यहाँ बैठो मैं अभी आया। वाओ फाइनली अब मैं भी रिच होने वाली हूँ। दीदी अरे दीदी तुम यहाँ बैठी हुई हो तो तुम रेडी हो ना आज अपनी भाभी से मिलने के लिए? लेकिन ये क्या दीदी आज भी तुमने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। आज तो तुम अपनी भाभी से मिलने वाली हो ना तो आज तो रेडी हो जाती, वो नई वाली ड्रेस पहन लेती जो मैं लाया था आपके लिए। और वैसे भी दीदी कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, इंसान अच्छा होना चाहिए ना। और मैं ना दीदी मायरा के लिए गिफ्ट लेके आया था, वो ना मैं कार में ही भूल गया हूँ तो मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, जब तक आप मायरा के पास ही बैठो ठीक है। अरे यार फिर से नहीं, क्या मुझे आज पूरे दिन तुम्हें झेलना पड़ेगा? तुम्हें समझ में नहीं आता मुझे नहीं चाहिए ये सब, ले जाओ इन्हें। मुझे तेरी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जा यहां से। देखो मुझे नहीं पता यश ने तुम्हें यहाँ पे किस कंडीशन पे रखा है, मैं तुम्हें आज ही इस नौकरी से निकालूँ। गेट आउट फ्रॉम हियर।
क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का देने की? बहन? ये गवार तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। अगर मुझे पता होता ये गवार डिसेबल तुम्हारी बहन है तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। तो फिर क्यों की तुमने मुझसे बात? तुम्हारे पैसों के लिए। वाह, पैसों के लिए। और जिन पैसों के लिए तुमने मुझसे बात की थी ना, उन पैसों के लायक मुझे मेरी बहन ने बनाया है। मेरे माँ बाप के जाने के बाद ना मुझे मेरी बहन ने पाला है, और मेरे लिए जो कुछ भी है ना मेरी बहन है। और अपनी बहन की रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम जैसी, तुम्हें क्या ही बोलना, इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। आई एम रियली सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान से नहीं पैसों से प्यार करती है, लेकिन मेरे लिए दीदी आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आई लव यू दीदी।